आज हम आए हैं भाई घाट गांव में। ये देखो मकान, किसानों का मकान है, काफी शानदार मकान बना हुआ है। देख लो बाहर से, ये बाहर का नजारा है। वीडियो में एंड तक बन रहा ना, पूरा दिखाऊंगा आपको अंदर से डिटेल में। ये भाई सामने मकान है, ये रहा देखो, ये रहा देखो, अब चल रहे हैं अंदर। कितना खर्चा आ गया इसमें? 1 करोड़ पूरा, 1 करोड़ से ऊपर ही? 1 करोड़ तो लग जाएगा। 1 करोड़ तो खैर है भी, काफी छोटी जगह तो दोनों पार्टीशन मिला के 1 करोड़। राम राम भाइयों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हम आए हैं भाई घाट गांव में। ये देखो मकान, किसानों का मकान है, काफ़ी शानदार मकान बना हुआ है। देख लो बाहर से, ये बाहर का नज़ारा है। वीडियो में एंड तक बन रहा है ना, पूरा दिखाऊंगा आपको अंदर से डिटेल में। ये बाहर का मेन गेट है, ऊपर भी ग्रिल लगवा रखी स्टील की। अब चल रहे हैं भाई अंदर, ये देख लो ये बाहर का नज़ारा सारा। अब यहाँ से मेन गेट में एंट्री होगी। ये भाई गेट का नक्शा है। ये देखो मकान भाई, ये देख लो भैया, काफ़ी शानदार मकान है। अब चल रहे हैं अंदर। ये देखो इधर ये कुछ लगा रखा है, पता नहीं क्या बो रखा है। काफ़ी छोटी जगह है, बेल भी लटक रही है भैया। ये देखो नज़ारा, भैंस रख रही है भाई, ढोर रख रखे हैं काफ़ी। ये देखो, ये रे भैया देखो। अब चल रहे हैं अंदर, अंदर से दिखाऊंगा सारा। ये भाई सामने मकान है, ये रे देखो, ये रे देखो। अब चल रहे हैं अंदर। इधर दो भाई हैं, दो ढोर, एक एक के ढोर इधर है, एक के ढोर इधर है। राम राम जी, राम राम अंकल जी, थोड़ा सा परिचय दे दो एक बार, नाम बता दो। गांव घाट, घाट गांव में। तो अंकल जी कितनी जगह में बना हुआ घर है? 1500 गज में। तो एक बार थोड़ा सा दिखा दो नीचे से। ये दो भाइयों का है? हाँ, दो। अच्छा, आप दो भाइयों, एक का इधर एक का इधर, तो उस हिसाब से ढोर है ना। एक के भाई इधर है और एक के भाई इधर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम ही है ना दोनों? हाँ, सेम बिल्कुल। तो मैं आपको को ऐसे तो मैं आपको कोई सा भी एक दिखा, आप ये वाला दिखा दो अंकल जी, मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ। कितने रूम है अंकल जी? एक उस पर छह, एक उस पर छह रूम है, मतलब तीन तीन का पार्टीशन है। तो ये इनकी गाड़ी खड़ी है, एक रूम दिखाता हूँ मैं आपको कोई सा भी, ये दिखा दूँ। एक खोल दो एक बार आप, एक रूम भैया ये है। हाँ, एक रूम इधर है, ये तीन रूम है ना। ये स्टोर है। अच्छा, ये स्टोर है, वो उधर की साइड है एक रूम है? अच्छा, शौकीन नहीं है भैया, किसान पूरी फरक खड़ी। गंगा जाओ उससे। हाँ। अच्छा, गंगा जी के शौकीन हो। एक रूम भाई बोरा, सेम ये रूम? हाँ, सेम है। हाँ, तो एक वॉश, एक वॉशरूम भाई ये रहा। एक बार ऊपर से दिखा दो थोड़ा अंकल जी, एक बार ऊपर से दिखा दो आपको। सेम ही है, दोनों पार्टीशन सेम है ना? हाँ, बिल्कुल सेम है, दीवार नहीं कर रखी। बाकी दो भाइयों का घर है, काफी शानदार बन रहा है भाई। थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर का नजारा, ये देख लो, ये ऊपर ममती बन रही है। ये रहा भैया, ये देख लो। तो ऊपर भी तीन ही रूम है अंकल जी? तीन ही रूम है ऊपर भी? सेम है, बिल्कुल। कोई सा भी एक खोल दो, एक दिखा दो ये वाला। बिल्कुल सेम है। हाँ, सारे मतलब सेम ही है। देखो भैया सारे सेम है। ये अलमारी है? हाँ, ये बेड है। हाँ, तो भैया ये रहा। ये किचन दिखा दो, ये किचन है भैया, वही जैसे गांव में होती है, पूरी देसी किचन है। ये रहा, अब बाकी ये सब सेम ही है, तीन रूम एक है। अब भैया आपको इधर का पार्टीशन दिखा दे, इधर का तो दिखा दिया, किचन दिखा दिया आपको, यहाँ भी सेम ही है। अब चल रहे इधर, ये भाई गांव का नजारा देखो, देखो कितने शानदार शानदार मकान है भाई। घाट गाँव है ना, घाट घाट है भाई। ये देख लो बाहर का नज़ारा दिखा दो थोड़ा सा नीचे का, ये देखो भैया काफ़ी शानदार नज़ारा है। अब चल रहे इधर के पार्टीशन भी सब सेम ही है ना? हाँ जी, सब सेम, सब सेम है, बस दो भैयों का डिफरेंस है ना बीच में। ये बीच में तो रूम है, क्या है ये? स्टोर रूम। अच्छा, दोनों स्टोर रूम है, एक एक, एक उनका एक इनका। अच्छा अच्छा, ये भाई सेम ही रूम है, रूम में कोई डिफरेंस नहीं है। एक रूम में, एक फ्लोर पे चार रूम है ना, तीन तीन, सॉरी है ना, एक चार, हाँ चार है भाई। ये एक रूम ये दिखा दो हल्का सा, ये रहा। तो ये भाई अब चल रहे हैं ऊपर, ऊपर से दिखाऊंगा आपको सारा, काफ़ी शानदार है, बहुत पैसा लगा रखा है। ये वॉशरूम है भाई, अब चल रहे हैं ऊपर। दोनों तरफ जीने हैं दोनों के अलग अलग, और मतलब पूरा एक पार्टीशन टाइप बना रखा है अलग अलग, देख लो। अब चल रहे हैं भैया छत पर, अब आपको छत पर दिखाऊंगा। आ जा भाई छोटू, आ जा। अब आ गए भैया छत पर, देखो नज़ारा, ये देख लो।
ये क्या है जी? ये क्या बना रखा? अच्छा अच्छा, उसके लिए बना रखा। ये देख लो भैया नजारा बाहर का, ये देखो भैया छत का नजारा, क्या शानदार नजारा। तुम्हारे खेत है? ये भैया इन्हीं का खेत है, ये देख लो काफी शानदार मकान है। ये देखो भाई उधर भी एक तो जिन्ना है और एक बराबर में वॉशरूम है, ऊपर भी सेम पार्टीशन है। ये मम्मी जी क्या है? ये मम्मी का कमरा है। ये कमरा खोल दो जी। अच्छा अच्छा अच्छा, टंकी दोनों की अलग अलग है, तो टंकी तो बड़ी छोटी रखवा रखी है, चल जाएंगे काम? चल जा, 500 लीटर की है। 500 लीटर की, 500 की तो कम रह जाए। ये भाई छत का रूम है अपना, बार बार खाट बिछा के बारिश वारिश आया तो उसका तो एक बार इधर से और दिखा दो थोड़ा सा। ये देख लो भैया ये पार्टीशन दोनों साइड ऐसे बना रखा है, काफी शानदार नजारा भैया। अच्छा अच्छा, तो अंकल जी 1500 गज में है, तो कितना खर्चा आएगा इसमें? लगभग 1 करोड़ से ऊपर ही थोड़ा। 1 करोड़ से ऊपर ही आ गया, तो कितने दिन में तैयार हुआ? यू हुआ 3 साल में, 1 साल तो इसकी नहीं भरवाई। अच्छा 1 साल भराव करवाया। अच्छा क्यों? बगर मावा जी के पैसा हा? हाँ। अच्छा बगर मावा जी का बना हुआ है, मेहनत कर। मावा जी का 1 रुपया नहीं कहीं मारी, 1 इंच भी नहीं गई कहीं। अच्छा 3 साल, 3 साल में तैयार हुआ? 3 साल में, 1 साल तो नहीं भरवा के भराव करवा के छोड़ दिया। अच्छा वो मट्टी बैठी फिर उससे 3 साल। तो कितना खर्चा आ गया इसमें? 1 करोड़ पूरा, 1 करोड़ से ऊपर ही। 1 करोड़ तो लग जाएगा। 1 करोड़ तो खैर है भी काफी छोटी जगह, तो दोनों पार्टीशन मिला के 1 करोड़। तो मेन व्यवसाय क्या अंकल जी आपका? खेती? क्या खेती? कितने बीघे बोल रहे हो अभी? 24-25 बीघे। तो मोजा थोड़ी मिला कहीं? नहीं। 30 बीघे खेती अंकल जी पे, खेती से ही इतना सब कुछ तैयार करा, मोजा वोजा कुछ नहीं है, सब मेहनत का पैसा। तो अभी 4-5 साल हो गए इस घर को? 5-6 साल होगी भाई। घर देख लो, घर काफी शानदार है, मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया और अंकल जी बता रहे 1 के आसपास, बाकी आप बताना। मेरे हिसाब से तो 1 से तो ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा ही लगे हैं। हाँ जी, इसमें जो ईंट लगी ये सरदार की भट्टी है। अच्छा सरदार की भट्टी है। अच्छा अच्छा, और भट्टों पे बलैनी बलैनी इनके जो लगेंगे। हाँ हाँ हाँ, 1000 रुपए का फर्क है। अच्छा मतलब 1000 रुपए 1000 ईंट पे फालतू है? तो हाँ, तो भाई 1000 से लगा लो, कितनी ईंट लगी होंगी इसमें लगभग? तो अच्छा पिताजी ने बनाया, तो नक्शे से बनवा अंकल जी कैसे? नक्शा कम है इसमें, दिमाग ज्यादा, मिस्त्री का दिमाग ज्यादा हमारे का। मिस्त्री कहाँ के थे? मिस्त्री पता ना बाहर है कहाँ। अच्छा पिताजी लेकर आए? पिताजी नहीं, पिताजी के लिए। अच्छा पिताजी ही मेन है जिन्होंने सब कुछ करवाया? अच्छा टीचर, सरकारी टीचर थे? अच्छा सरकारी टीचर थे। अच्छा अच्छा, तो पिताजी मिस्त्री विस्त्री लेकर आए थे, उन्होंने बनवाया, तो काफी हाँ। तो नक्शे भी फेल ही है, अब अपने हिसाब से उन्होंने सही बनाया, दो भाई के। हमने एक बात है, हमने गांव के हिसाब से बनवाया। हाँ, तो इसमें कोई फूल पत्ती नहीं लगाते, सबका मकान है, किसान के हिसाब से मकान बनवाया है। पूरे मकान में पीओपी 3 जगह मिलेगी, दोनों बैठकों में, छोटे भाई की में बैठक है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, नीचे भी हमारे सोफे पड़े कमरे में, पीओपी 1 कमरे में और 1 उसमें और 1 बीच में पोर्च में, पूरे पीओपी पूरे मकान में नहीं, सब पीओपी खिंचवा दें नहीं पूरे मकान में। अच्छा सारे में नहीं है, दो दो नीचे दोनों भाई। सिंपल रखो ना, सिंपल सही बात है, गांव में रह रहे हो तो सिंपल रखो। एक और है इनकी पुताई बना होती जो खिंचवा दें। हाँ इनकी पीओपी की पुताई भी बड़ी कैडी है। हाँ जी सही बात है, आदमी सही बात है। तो हाँ, तो भैया इसमें सात का काम, एक का लगभग खर्चा हो गया इसमें भैया, बाकी आप कमेंट में जरूर बताएं कितना हुआ होगा। और किसी भाई को भाई ऐसे ही बनवाना तो मैं अंकल जी का नंबर दे दूंगा, बात कर लेना, बता देंगे। इसमें तो 1000 बनी, इसमें तो पता कितनी वीडियो बनी है, पता हमारे पे डन हुई आया साड़ा। अच्छा अच्छा, वीडियो ज्यादा बन गई इस घर की? बहुत बड़ी है। हाँ तो भाई आपने पहले भी देखी होगी, तो वीडियो बनी है, ये तो छा रहा अगर भाई। तो भैया वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।